सिर्फ समझ में सवाल चार मिनट पूछ सकते कर सकते मैं तुम्हार की करीब तुम्हार को कर देने की तुम्हार को ये मैसेज निकल दूंगा कमिट पैदा करेंगे मेरे बात हुआ हुआ हमारा टाइम पे माइंड इसको जैद बिन अयद साहब का हो गया हुआ हमारा फाइनल 9 नवंबर का शुमाइल साहब को रिटर्न भिजवाई गई रखा उसको प्रिजाइड करें 9 नवंबर को 9 नवंबर 11 बजे 3 नवंबर को था कि अगर ये मुमकिन हो जाए अगर वो आ गए ना मैं उन्होंने कहा हुआ है ना आया तो मैं उतार के लाया जी ठीक है बड़ी प्यारी जो साहब ने सिलेक्शन की हुई है ना ये अमीन पता नहीं शायद पूरी की है उनके दोस्त थे अमीन से हाँ जिनका वो मकाला है पता नहीं उनकी है बड़ी प्यारी माशाल्लाह बहुत प्यारी ये लगी उन्होंने बेले दी हाँ बेला कर से चीजें मैं क्या तो कर ले मैं ऑन ऑफ जी जी ओके ऐसा कर से नहीं ये तो नहीं होगा इतने काम तो है ही नहीं और दही है नहीं चलो खैर हमारे साथ का फोन था मैं बड़ा रोटी क्यों फिर जा लो उन्होंने क्यों आया किसी पता है किसी साथ जा रहे हैं किसी का इशू था उसके साथ जा रहे हैं हाँ वो तो उनका बिल्कुल सैलरी हो गया प्रोफेसर खावर में उनसे उसका बात है मैं उन्हीं को कहा करो टेंड ही कर दे खावर में पंखा हल्का हल्का चलवाना है पंखा जरा हल्का चलाएं क्यों फुल स्पीड ना चलाएं हल्के चलाओ मेरे बेटे आप तलावत करेंगे आई एम सॉरी आपका नाम मुझे नहीं जेन में अलियास पूरा नाम क्या है चौधरी मोहम्मद अलियास ये आपसे माशाल्लाह रेगुलर आप माशाल्लाह आते हैं बिल्कुल मुझे इस चीज का पता है क्या कहते हैं करेंगे आप इन तस्वीरों को ला पढ़ लीजिएगा मैं फिर ये प्रोफेसर ना डॉक्टर साहब कैसी है अगर किसी रोजगार नहीं कमा रहे तो फिर ये मतलब है कि शायद उनका मकसद होया कि जरूरत तो ज्यादा कमाई लगे शुरू कर जड़ी हो गई आपका नहीं उन्होंने तो ये कहा ना कि राम जो है इनको देश से खत्म कर दिए हाँ ऐ एक बहुत बड़ा आइडिया मैं फट समझिया कि ये राते कल्ला नहीं था को हम आए रोजगार दिल से बुला दिए दिल से क्यों बुलाया गम कर जगाने राह को आज की महाना सिरतम के ऊपर निशिस्ता बाकायदा एवास चौधरी मोहम्मद अलियास साहब की तलावत करते हैं चौधरी मोहम्मद अलियास साहब الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم तलावत खानपा के बाद नातिया अशार प्रवेश भी पेश करेंगे बच्चों ये बहुत प्यारी एक नात है जो कि वैसे जो बार साहब के दोस्त हैं इन साहब उन्होंने कही है तो आज ये मैं यही आपकी खिदमत में पेश करूंगा। आतश कदों को तैर के किसने बुझा दिया, दुनिया के बुत कदों में पैगाम खुदा दिया, इसरार कायनात से पर्दा उठा दिया, आलम में हुस्न नूर का दरिया बहा दिया, गुम करता गाने राह को हक से मिला दिया, गम हाय रोजगार को दिल से भुला दिया, रहमत से आगे चश्माओं को हैवान पिला दिया, खुद को हमारी जाने तमन्ना बना दिया, रंगो खून का तफरका यकसर मटा दिया, अहले जफा व जुल्म को दरसे वफा दिया, काशाने नजात का रास्ता बता दिया, मर मर के राह सिद्क में जीना सिखा दिया। ये फख्रे कायनात का है मौजदा अमीन, इंसानियत को ख्वाब ग्रह से जगा दिया। ये आपके सामने चंद अशार मोहतरम परवेज़ अहमद खान साहब पेश कर रहे थे। अमूमी तौर पर हमारा इतवार को कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब की मजबूरी थी, इतवार के दिन मसरूफियत, उस वजह से हमने चेंज भी कर रहे थे प्रोग्राम को वर्किंग डे, उस वजह से फिर आज का दिन सेटल किया। कल भी डॉक्टर साहब की थी मीटिंग, वहाँ पर लेक्चर वगैरह, तो आज का दिन डिसाइड किया कि इतवार को सुबह 4 बजे करते हैं। मेरे दोस्तों का 4 बजे शायद असर होती है, मैंने ज़्यादा टाइम मसाजिद में, तो शायद उस वजह से लोग ज़्यादा असर की नमाज पढ़ के तशरीफ आएंगे। चंद मिनट मैं आपसे लेता हूँ। अभी डॉक्टर यूसुफ फारूकी साहब माशाल्लाह, मैं तीसरी दफ़ा डॉक्टर साहब को आप तशरीफ आए, शायद पहले भी माशाल्लाह तशरीफ आ चुके हैं, और इनको अल्लाह ताला ने एक जिंदगी का मिशन, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में इन्होंने बहुत टाइम गुजारा है और बुक्स इन्होंने लिखी हैं, और सबसे बड़ा मेरा ख्याल है इनका जो एक अल्लाह ताला ने इनको दिया मौका, एक बहुत बड़ा मुस्लिम तारीख के मौजूदा दौर में, डॉक्टर साहब के ओपिनियन में तो मुजद्दद कहते हैं सीरत के हवाले से, डॉक्टर हमीदुल्ला जिन्होंने खुतबात बहावलपुर लिखी, उनके साथ भी इनको ये शर्फ हासिल हुआ कि इन्होंने डॉक्टर हमीदुल्ला के साथ भी काम किया। और इसी तरह बहुत हमारी जो बुजुर्ग हस्ती हैं मुल्क की, नामवर शख्सियात जिन्होंने दीन के लिए कंट्रीब्यूशन अदा किया, उनके साथ इनको इंटरेक्शन का मौका बना, दीन के हवाले से काम का मौका बना, और आज की नशिस्त का भी बुनियादी मकसद ये था कि हम जो ये नशिस्तें तसलसल से आप दोस्तों के साथ करते हैं उसमें मज़ीद एलैबोरेट किया जाए कि उम्मत के मौजूदा सूरत हाल के अंदर वो क्या बुनियादी असूल हैं, जो बुनियादें हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी, और हम लोग शायद उसकी बजाय कुछ जुज़ियात में पड़ गए हैं। दीन की पूरी तालीमात के अंदर अगर मौजूदा एनवायरनमेंट में जो हम देखते हैं, हम सब देखते हैं, मखसूस तरह की हमारे
लिबास के हवाले से तकसीम किया गया है कि आप लिबास देख के बंदे को पहचानते हो कि ये फलां कॉर्नर का इंसान है या फलां स्कूल ऑफ थॉट का. क्या ये चीज इनसे सारे से डिस्कस हो रही थी डॉक्टर साहब से कि आज हम में से हर कोई अगर तारीफ कराते हुए ये कहता है कि मैं एज ए मुसलमान जी रहा हूं तो बड़े अजीब सा महसूस किया जाता है कि लाजमी तौर पर किसी व्यवस्था होना चाहिए किसी खास सोच का किसी खास दायरे का उससे बाहर निकलने का या उसको एक्सेप्ट करने का तस्वर खत्म हो गया. हालांकि वो सारी कोशिशें भी जो की जा रही हैं वो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा के लिए, ऐसा नहीं है कि वो अल्लाह माफ करे किसी और के लिए कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो गालिब इतना ज्यादा उसके ऊपर पहलू हो गया है कि वो आई फील के निशाने मंजर की बजाय निशाने राह जो है ना वो ज्यादा यानी मखसूस तरह का अगर वो टोपी मखसूस कलर की अगर दोस्त पहनते हैं तो उनका नेकी का मयार यह है कि सरंकी जिसने टोपी पहनी हुई है वो तो मेरा एक ताल्लुक है या मखसूस तरह का हुलिया बनाया हुआ उसने लिबास का. या ये भी देखें कि लैंग्वेज में भी कुछ अल्फाज ऐसे मखसूस इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के अंदर स्कूल ऑफ थॉट के अंदर कि वो अपनी शिनाख्त के ऊपर इसरार को छोड़ने को तैयार नहीं होते. बास का दोस्तों से बात करते हैं कि यार ये जो काम कर रहे हैं ओके एक्सेप्टेड कि आप नेकी के साथ कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है. लेकिन जिन बुजुर्गों ने ये राय दी उन्होंने ये कहा कि इसको आप असल पे चेक कर लो. असल क्या है? अल्लाह का हुक्म कुरान पाक के अंदर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा. हर बात जो अल्लाह ने कह दी जो अल्लाह के नबी ने कह दी उसकी हैसियत मुतलिक है, उसके आगे बड़ी से बड़ी शख्सियत की राय की कोई हैसियत नहीं रखती. अच्छा ये वर्बली में आप हम सब कहते हैं लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं सबको पता है. अपनी मखसूस एक जो हमारे अंदर एक राय फिट करके फिक्स कर लेते हैं ना उसके बरक्स राय को सुनने को मादा भी नहीं होते उससे कि बस वो उसके ऊपर जो फिट है वो फिट है उससे बरक्स अगर नुकता नजर रखता है तो उसके लिए हम एटलीस्ट उसकी बात को सुनने का अपने अंदर हौसला पैदा करें उसकी दलील देखें उसकी बात सुने तहम्मुल के साथ कि अगर वो बंदा जो जो बात कर रहा है मेरी मेरी राय से उसके पास ज्यादा बेहतर राय हो ज्यादा बेहतर दलील हो. और इस चीज ने जो मेन मैं डॉक्टर साहब से अभी शेयर कर रहा था कि हम लोगों का मामला जो बन गया है कि हम मनाने वाले बन गए हैं जबकि हमें मानने वाला बनना था. यानी जो कारे रसालत और कारे नबूवत के अंदर पैगंबराना जुबान चाहिए पैगंबराना ये लफ्ज मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़े मेरी बात नहीं इतना मेरे जगह बड़े दुनियादार किस्म का मामला है लेकिन फिर भी ये तबीयत ये कहती है कि अल्लाह करे कि हमें अल्लाह तआला तौफीक दे कि हमारी हमारे मामला हमारे हर जिंदगी के पहलू के अंदर वो पैगंबराना जो रूह है वो छलकनी चाहिए. जबकि हम लोगों ने अगर मैं किसी आलमी दिन से मुतासर हूँ तो उसका मखसूस खुल गया मैंने अगर लिबास पहने तो मैं उसी के ऊपर छाप लगा लूंगा अपने ऊपर. हालांकि काबिल फख्र अगर कोई हो सकता है तो वो सिर्फ रहमतुल आलमीन की नकल हो सकती है उनके उस्वा हो सकता है. बाकी जितना बड़े से बड़ा आदमी हो बड़ी से बड़ी शख्सियत हो उसका एहतराम तो किया जाएगा लेकिन वो उस कसौटी के ऊपर जो रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसौटी है जो दिए गए असूल हैं जो रूह है उसके ऊपर अगर परखने को अगर बंदा तैयार नहीं होता तो अमली तौर पे ये सोचने की जरूरत है कि वो ईमान किस पे लगा रहा है वो प्रैक्टिकली क्या कर रहा है और उसके लिए उसका अमल किधर लेके जा रहा है. ये चीजें फिर इंसान को ऐसी बंदगली में पहुंचाती हैं कि इंसान जुबानी इजहार चाहे कितना भी करे लेकिन अमली तौर पे वो एक ऐसी बंदगली में एक ऐसी डार्क एरिया में चला जाता है जिससे वो बाहर नहीं निकल सकता. और इसी गर्ज के लिए इसी सोच के लिए हम दोस्तों की कोशिश थी सर असद भी तशरीफ ले आए इनसे 90s में ये बातें करता था जाके वो खूब सर खाता था इनके जाके तो उसमें ये सिर्फ आता था कि असल जरूरत यह है कि मेरे मनाने से ज्यादा मेरे अमल से खुशबू आनी चाहिए. लास्ट टाइम एक इजहार अफसोस के लिए रिचिश थी मुहतरम ख्वाजा जकाउद्दीन साहब के लिए अल्लाह ताला उनके रहमते करे और मफरत करे उनकी कि सियालकोट की बहुत बड़ी शख्सियत यानी सियालकोट से ऐसे लोग जाए ऐसी बरकत उठ गई है ऐसी ऐसी शेख यूनुस साहब कहा करते थे कि ये ऐसा शख्स है
जिसको जुबान का सखी है, याद है शेख साहब आपको 91 के अंदर इतनी हलीमी उनके अंदर और दीन से मोहब्बत उनका, फिर कश्मीर काज के साथ उनकी मोहब्बत, वो किसी भी कमिटमेंट से बाला थी, वो हर चीज के ऊपर बाला थी। वो चैंबर के प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो वहां पे भी क्या अनाउंस करते हैं कि भाई यहाँ जहादे कश्मीर हो रहा है, यहाँ पे ये हर घर में एक बच्चा अपना आप समझो कि वो जाहिर है, वो कश्मीरी है, उसका शेयर रखो, उसका हिस्सा रखो। ये जो अलाइव ताल्लुक होता है ना, एक जिंदा ताल्लुक होता है, ये चीज बहुत ज्यादा अंदर यानी महसूस होती है कि हमारी जो पहलू में पहले इशारा कर रहा था कि कुछ शख्सियात जो हीरोशिप का हमारे अंदर पहलू है, इतना गलत मोहब्बत आ जाती है कि हम उसके सर में ऐसा व्यवस्था होते हैं कि मुंह से बोलते हैं अल्लाह और रसूल, और प्रैक्टिकली हम उस शख्सियत के रंग में रंग जाते हैं, वो चाहे इखलास से क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर अगर कोई कजी आ गई, अगर कोई खैर का पहलू आ गया, वो सारा उसकी कॉपी कर ली गई। जबकि खात्मे नबूवत का तकाजा तो ये है कि हम लोग हर बड़ी से बड़ी शख्सियत की राय, उसका हर पहलू परखें, तो अल्लाह के हुक्म के ऊपर परखें और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए गए असूलों पर परखें, जिससे हमें हर सदी के अंदर ऐसे लोगों की जरूरत है कि जो कार्य रिसालत की अदायगी का ना सिर्फ शौक रखते हों बल्कि उनका अमल भी गवाही देता हो, जो पैगंबराना सिफात जो उम्मत को क़यामत तक चाहिए। हतमिन बोलता है ये भी तो नुकसान एक पहलू होगा कि अल्लाह ताला ने अगर खातमुन्नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया तो कार्य रिसालत की जो जिम्मेदारी उम्मत को दी गई वो जामे और सफा तो शायद कोई भी नहीं होगा, लेकिन किसी ना किसी पहलू के ऊपर। अब जिस तरह आज एक डॉक्टर ने, डॉक्टर यूसुफ साहब ने बड़ी असल बात खूबसूरत बताई कि डॉक्टर हमीदुल्ला इस सदी के जो उनका कंट्रीब्यूशन है, कहते मेरा तो नुकता नजर यह है कि सीरत के ऊपर जितना उन्होंने काम किया है उस पहलू पे वो मुजद्दद है सीरत के हवाले से, जितना उन्होंने सीरत की स्टडी किया है, एक ओपिनियन है ना, एक राय है, तो उसमें इसी तरह डॉक्टर हमीदुल्ला के अलावा हमारे पास इतनी इतनी बड़ी शख्सियात है जिनका एक असर है उम्मत मुसलमान के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर, इसी एक बड़े लेवल के ऊपर जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन अदा किया है, इसी तरह छोटे लेवल मेरे आपके हम जैसे लेवल के ऊपर भी आई फील तकाजा ये करता है कि जो भी अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है, आप जिस भी सलाहियत के मालिक हो, आप चाहे आप छोटी सी दुकान चलाते हो, चाहे आप बैठ के कहीं खेलते हो, कोई क्रिकेट खेलते हो या एनीथिंग कुछ भी करते हो, उसके अंदर आपकी जो कहने की शख्सियत है, क्या वो शख्सियत इस चीज का तासुर देती है कि ये एक उम्मत मुसलमान का फर्द है। वो दरम्यान में बात जो स्लिप हो गई थी, मैं याद आ गई दोबारा, वो तजीदी निशिस्त में ख्वाजा ज़का साहब के एक दोस्त बोले मुझे, कहते हैं कि आइंदा मुझे आप ख्वाजा ज़का समझे। मैंने कहा यार इस तरह नहीं बोलते, असल चीज यह है कि चंद चढ़े आपे नजर आना, एक्शन स्पीक्स। अगर फूल नजर बाद में आता है, पहले खुशबू से उसका तारुफ होता है, पहले खुशबू पहुंचती है। तो साथ ही एक और सीनियर दोस्त खड़े थे, कहने लगे दो तरह के लोग होते हैं, कुछ कहते हैं कि हम सारो मनो, तो कुछ तो कुछ की शख्सियत करदार इस काबिल होता है कि वो इंसानों को मजबूर कर देता है, कहता है हाँ भाई ये फलां है, ये वाकई नेक इंसान है, ये वाकई अच्छा है, जिसकी गवाही इंसानों का दिल, इंसानों के अंदर अल्लाह डाल देता है, वो यकीनी तौर पे एक गैर मामूली बात है। वो जो अच्छा ख्याल आता है रब की तरफ से आता है ना, अच्छा ख्याल अच्छा एहसास वो रब्बुल आलमीन डालने वाले हैं, तो वो एहसास का जन्म लेना, उसके अंदर आना यकीनी तौर पे वही एक आसमानी पहलू है। मेरा ख्याल आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को, मोहतरम प्रोफेसर खावर मंसूर सर तशरीफ ला चुके हैं जो आज के सदर मदरसा हैं, उनको दरख्वास्त करूंगा सर तशरीफ लाएं प्लीज स्टेज पे। और आज के हमारे स्कॉलर मुख्तम डॉक्टर यूसुफ फारूकी, उनके शुक्रगुजार हैं, वो इस्लामाबाद से इसी निश्चित के लिए तशरीफ लाए हैं, हालांकि उनकी सेहत बड़ी डिस्टर्ब थी, उनको भी दरख्वास्त करूंगा सर आप तशरीफ लाएं। और मुख्तम डॉक्टर सिंह साहब से दरख्वास्त है प्लीज डॉक्टर साहब आप ये मुकाम जो है आप संभाल लें आज के, नहीं डॉक्टर साहब आ जाए प्लीज, आप बड़े हैं आपके ये बनता है। डॉक्टर सिंह दास साहब जी हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डिप्टी ग्रुप लीडर भी हैं और यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर स्टडी सेंटर के और सबक सदर हैं सर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। अभी हम बकायदा आज की निशिस्त के लिए मुख्तरम डॉक्टर यूसुफ फारूकी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो तशरीफ लाएं। डॉक्टर साहब बैठना पसंद करेंगे या के आज आप बकायदा आगाज
सली अला वसुदेव करीम। मोहतरम हाजरीन किराम, मेरे लिए बड़ी खुशी और मसर्रत का बाइस है कि आज तीसरी मर्तबा आपके सामने शहर इकबाल में हाजिर हूँ। और इंसान जब इकबाल के शहर में आता है तो उसकी कैफियत थोड़ी सी बदल भी जाती है कि अपनी दौर में अल्लाह ताला ने एक इतना बड़ा थिंकर और इतना बड़ा इंसान इस उम्मत में भेजा और उसने जिस अंदाज से उम्मत मुस्लिमा को झंझोड़ा है, शायद कोई और कौम होती तो न मालूम आज तक क्या कुछ कर चुकी होती, किस कदर जाग चुकी होती। मालूम नहीं हमारा वक्त जागने का कब आएगा। बहरहाल ये तीसरी मर्तबा हाजिर हुआ हूँ। मेरे दो लेक्चर दो मुख्तलिफ मौजूआत पर हुए हैं। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू जो है वो तो पिलर्स एंड प्रिंसिपल्स हैं कि हम गुफ्तगू करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआशरा या उम्मत तश्कील दी उसकी बुनियादें क्या थीं और किन उसूलों पर उसको आगे बढ़ने की दावत दी। ये बुनियादें इतनी अहम हैं कि इन बुनियादों के बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते। हम आम तौर पर ये सोचते हैं कि नहीं बस हमारे पास इख्तदार आ जाए, दौलत आ जाए जी, और हम सियासी तौर पर ओहदे आ जाए और हम सब कुछ कर डालेंगे। ऐसा होगा नहीं जी, इसलिए कि आपने देख लिया कि तकरीबन 70 साल के लगभग हो चुके हैं हमें जी। हमने खोया तो बहुत कुछ है, पाया बहुत कम है जी। इसकी वजह यह है कि उन असल चीज़ों से हम हटते दूर होते चले जा रहे हैं जिनकी तरफ हमें दावत दी गई थी। अभी हमारे दोस्त असद साहब बात कर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान हकीम की दावत तो सिर्फ इस्लाम की तरफ है जी। वो कुरान हकीम में है ना कि वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इला अल्लाह व अमिल सालिहन व قال इन्नी मिनल मुस्लिमीन। उससे बढ़कर तो कोई और शख्स बेहतर नहीं हो सकता कि जो अल्लाह के दीन की तरफ दावत दे और अपने आप को ये कहे कि मैं मुसलमान हूं बस। और अल्लाह ताला ने हमारा नाम क्या रखा है, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने तो तुम्हें मुसलमान करार दिया है। अब हम मुसलमान होने और इस्लाम की बात नहीं करते, अब हमने अपने आप को फिरकों से, मसलकों से और पता नहीं गिरोहों से वाबस्ता कर लिया है और इस्लाम को दरमियान से निकाल दिया है जी। असल दावत यही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत यह थी कि लोगों को दीन की तरफ बुलाया जाए। अल्लाह और रसूल यही मेयार है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि दो चीजें तुम मैं छोड़कर जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब है, एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जब तक तुम इनको मजबूती से थामे रहोगे तो तुम महफूज रहोगे, बचे रहोगे, और इन दोनों को छोड़ दोगे तो तुम तबाही की तरफ चले जाओगे। तो ये अर्ज मैं कर रहा था कि मेरे जो दो लेक्चर हुए हैं उनमें दो मौजू पर मैंने गुफ्तगू। एक मौजू था इल्म का, और जब इल्म पर मैं बात कर रहा था तो मैंने ये बात आपसे अर्ज किया था कि इल्म अल्लाह ताला की सिफत है और ये सिफत खुदाबंदी के अंदर बड़ी जामियत और हमगीरी है। उसको महदूद न कीजिए और उसको उसी वसत के साथ रखिए। उम्मत मुस्लिमा को ये हुक्म दिया गया था कि इल्म को अपनी इन तमाम वसतों के साथ तुमने अपने अंदर समोना है। हमने ये किया कि हमने उस इल्म को छोड़कर दूसरों के लिए छोड़ दिया और हम खाली हाथ तही दस्त होकर खड़े हो गए और हम ये देखने लगे कि दूसरे कुछ कर ले इल्म के मैदान में तो हम उनसे कुछ हासिल कर लेंगे। तो अल्लाह तबारक ताला उस कौम को आगे नहीं बढ़ाता जो इल्म की दौलत से महरूम हो जाए। इल्म की फिर किस्में अलग हैं, मैं उन तफसीलात में नहीं जाना चाहता इसलिए कि इसकी तफसीलात मैं आपके सामने पहले अर्ज कर चुका हूं। चूंकि इल्म इतना जरूरी था कि अल्लाह तबारक ताला के रसूल और अल्लाह ताला का हुक्म जो है वो ये है कि इल्म सबके लिए है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के इब्तदाई जमाने में आप ये देखिए कि चूंकि इल्म
सबके लिए था, तो बहुत नीचे का तबका जो है उसको भी इल्म के वही मवाते हासिल थे जो एक आला तबके के फर्द के और बच्चे को हासिल होते थे। उसका नतीजा ये हुआ, और ये सिर्फ एजाज है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दुनिया के अंदर कोई कौम आप ऐसी नहीं बता सकते जिसने निचले लोगों को तालीम के मैदान में इतना उठाया हो कि दुनिया की क्यादत और इमामत फिर उन्हीं के हाथ में आ गई। ये थोड़ा ही अरसा गुजरा होगा, अब्बासी दौर के एक खलीफा ने अपने वजीर से पूछा कि ये बताओ आजकल हिजाज में इल्मी क्यादत किसके पास है। उसने एक नाम लिया, तो खलीफा ने पूछा ये बताओ कि ये अरब है या मवाली में से है, आजाद शुदा गुलाम है। उन्होंने कहा आजाद शुदा गुलामों में से। पूछा मदीने मुनव्वरा में इल्मी क्यादत किसके पास है, उन्होंने एक नाम लिया। फिर खलीफा ने पूछा कि ये कौन है, उन्होंने कहा कि ये भी आजाद शुदा गुलाम। उसने पूछा कि मिस्र के अंदर कौन है, यमन के अंदर कौन है, बसरे में कौन है, हजरमौत में कौन है, जितने नाम लिए सबके बारे में उन्होंने कहा वो है और वो मवाली में से है। सिर्फ एक नाम आया कि कूफा के अंदर कौन है, वहां अलका व नफाई का नाम आया कि वो अरबों में से। तो अर्ज करने का मतलब यह था कि मुसलमानों ने तो इतने मौके फराहम किए इस कौम को, बस हालत कौम को, कि ये न सिर्फ ये कि आजादी लेकर इंटेलेक्चुअल लेवल इनका इतना आगे बढ़ा। देखिए दौलतमंद लोगों के पास ही नहीं होता दिमाग, बल्कि शायद उनकी सोचने समझने की सलाहियतों को चर्बी खाई हुई होती है जी, उनके पास इतनी सलाहियतें नहीं होती। दुनिया के अंदर अगर आप बड़े बड़े लोगों का जायजा लेंगे तो उन बड़े लोगों के अंदर आपको गरीब लोग टॉप पे नजर आएंगे जी, दौलतमंदों के नहीं। अभी मेरा भतीजा है वो आजकल ऑस्ट्रेलिया में है और एक हॉस्पिटल में वो मेडिकल कंसल्टेंट है, तो मैंने उससे पूछा कि ये बताएं मुझे कि वहां जितने बड़े बड़े टॉप के डॉक्टर्स या और अहम ओहदों पर पाकिस्तानी इंडियंस हैं वो कौन कौन लोग हैं, ये सर्वे करके मुझे बताएं। तो उसने सर्वे करके बताया कि टॉप पर जितने लोग हैं वो सब टाट स्कूलों से पढ़े हुए लोग हैं जी, कोई ये जो आपके सिटी स्कूल और ये जो बड़े बड़े स्कूल फीसें लेने वाले हैं इनका कोई नहीं है। तो बताने का मकसद ये है कि अल्लाह तआला ने इन लोगों को दिमाग दिया, अल्लाह तआला ये फर्क नहीं करता कि दौलतमंद ही को दिमाग दे और गरीब लोगों के घरों में पैदा होने वाले बच्चे उनको के पास दिमाग ना हो। हमने अपने मुल्क में 70-75% लोगों को तो इल्म से बिल्कुल महरूम कर दिया, इसलिए कि वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, आला तालीम नहीं दे सकते। अब तो सरकारी यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ाना उनके लिए मुश्किल है जी, एक सरकारी यूनिवर्सिटी में भी साल भर का खर्चा लाख रुपए के करीब लगभग हो जाता, तो ये कहां से लाएगा वो। तो हमने तालीम के दरवाजे सिर्फ दौलतमंदों के लिए रखे हैं, गरीब लोगों का पर बंद कर दिए, तो अगर 70-75% आपके पीछे रह जाएंगे तो आप तरक्की कहां से करेंगे। तो इसलिए अहद रिसालत में ये मौके सबको मिले कि इल्म के मैदान में ये सब यकसा तौर पर इल्म हासिल करते थे। एक बच्चा यहां से अब्दुल रहमान नाम था उनका, सिंध के किसी इलाके के रहने वाले थे, बच्चा गुलाम की हैसियत से अरबों के यहां चला गया। अरबों ने महसूस किया कि बच्चा जहीन है तो उसे पढ़ाई पर डाल दिया। जिन साहब के यहाँ था वो उनके बच्चों के साथ जाया करता था और फिर बाद में उन्होंने उससे मोहब्बत ज्यादा करना शुरू कर दी कि वो उनके बच्चों से ज्यादा पढ़ाई में इंटेलिजेंट था। ये अपने वक्त का आज कहलाता है इमाम औज़ाई के नाम से मशहूर है, अब्दुल रहमान औज़ाई, और इनका मकाम वही है जो इमाम अबू हनीफा का, इमाम शाफी का, सुफियान सोरी का जी, और इमाम अहमद इब्ने हंबल का था, इस मकाम के हो जाते थे लोग। तो ये था कि इनको मौके मिलने चाहिए, ये इन्हें मौके मिलेंगे तो इन्हीं के अंदर से लोग पैदा होंगे जी।
हम वसीयतों के जरिए और कारखाने बड़े बड़े चलाने की बुनियाद पर कि हमारे बड़े कारखाने चल रहे हैं, हमने भांजे भतीजे को लगा दिया, सारी क़यादत वो संभालेगा, ऐसा नहीं होगा। इनसे अच्छी क़यादत नहीं उभरेगी, अच्छी क़यादत तो देहातों से ही उभर के आएगी, फितरत के जो करीब रहने वाले लोग हैं उनसे उभर कर आएगी। बड़े बड़े शायर यहीं से पैदा होते रहे हैं, ये महल्लात में पलने वाले लोग बड़े बड़े शायर नहीं बने, बड़े बड़े थिंकर नहीं बने। आपके सामने है अल्लामा इकबाल की मिसाल। बहरहाल तो मैंने अर्ज ये किया था कि ये तमाम के तमाम लोग जो थे उन्हें मौके मिलने चाहिए, इल्म पर किसी की इजारादारी नहीं होनी चाहिए, इल्म को सरमाया कमोडिटी ना बनाइए कि इल्म काबिले फरोख्त हो, धड़ाधड़ यूनिवर्सिटियां खोलते चले जाएं। और मकसद ये है कि अब तालीमी इदारा है कि यूनिवर्सिटी जो है एक इंडस्ट्री, अच्छी इंडस्ट्री बन गया है, हमने उससे पैसा कमाना है बस जी। लोगों को इल्म मिले या ना मिले, ये जितनी यूनिवर्सिटियां अब कायम हो रही हैं धड़ाधड़, ये सिर्फ पैसे लेने के लिए कायम हो रही हैं। यहाँ कोई रिसर्च का काम, कोई अच्छा तहकीक का काम हो रहा हो तो आप मुझे बता दीजिए जी। मेरा तो ताल्लुक ही सारा का सारा जामियात है। तो बताने का मकसद ये है कि इल्म के मैदान पर, मैं अभी इल्म पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन इसलिए कि मैं इस मौजू के ऊपर एक मुकम्मल गुफ्तगू आपके सामने कर चुका हूं। बुनियादे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन कायम की जिसके ऊपर सारे मुआशरे की तश्कील हुई। सबसे सरे फहरिस्त उसमें इल्म था, इल्म पे कोई कंप्रोमाइज नहीं, हर फर्द के लिए फर्ज है, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, मात से लेकर लहद तक इल्म हासिल करना होगा। इल्म के राह में कभी रुकावट नहीं आ सकती, ना आनी चाहिए। इल्म के बाद दूसरी, देखिए इल्म बहुत बड़ी कुव्वत है और इस कुव्वत के मज़ाहिर आज हम दुनिया के अंदर देख रहे हैं। इस कुव्वत से हमने अपने आप को महरूम किया हुआ है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब तक हम इस कुव्वत से महरूम रहेंगे, आप कैसे ये समझते हैं कि हम दुनिया की क़यादत कर लेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इल्म से आरास्ता पैदा किया और इसको टॉप प्रायोरिटी दी, और ये टॉप प्रायोरिटी इसको हासिल रही मक्के के पहले दौर से लेकर पहला दिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था या अय्युहन नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, उस दिन से लेकर और अपने आखिरी सांस तक इल्म की अहमियत पर वो उजागर करते रहे और उसको कभी कम नहीं होने। दूसरी बुनियादी चीज, ये बुनियादी सुतून है, वो है इंसान की फिक्र की इस्लाह। इंसानी फिक्र की इस्लाह जो है वो अकीदे से होती है। अकीदे की तफसीलात में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन अकीदे को सिर्फ इतना मैं बता दूं कि इसको महज तसव्वुर की हद तक ना समझिए, इसको महज एक नजरिया बनाकर रख दिया हम लोगों ने। ये महज नजरिया भी नहीं है, फिक्र ये तसव्वुर भी नहीं है, इसलिए कि फिलॉसफी के अंदर तसव्वुर कहा जाता है उस ख्याल को कि जिसमें गलती का इम्कान। अकीदे के अंदर गलती का कोई इम्कान नहीं। गलती का इम्कान इसलिए नहीं कि अकीदा वही इलाही पर मबनी है जी, इल्म जन्नी पर मबनी नहीं है जी। तो इसलिए अकीदे के अंदर गलती का कोई इम्कान नहीं है, ये तस्दीक है, ये इसको यूं कह लीजिए ये यकीन महकम के है, इसको बिल्कुल कतई तौर पर यकीनी तौर पर मानना होगा। तो फिक्र की इस्लाह अकीदे से होती है, और अकीदे तौहीद को अगर मुस्लिम उम्मत समझ ले तो इतनी बड़ी फ्रीडम मुसलमान को हासिल होती है, इतनी बड़ी आज़ादी हासिल होती है कि दुनिया में इससे बढ़कर आज़ादी देने वाला कोई नहीं जी। और हर फिक्र आपको गुलाम बनाएगी जी, इस एक दर को छोड़ेंगे तो हजार दरों के ऊपर आपको सजदा रेज होना पड़ेगा। ये तौहीद है, एक अकीदा है कि जिसके तौहीद के अकीदे के ऊपर आपको आजादी मिलती है। तो तौहीद है, रिसालत है, आखरत है, इसकी तफसीलात हैं, लेकिन ये याद रखिए कि अकीदा नाम तस्दीक कल्बी का है। ये तस्दीक कल्बी के लिए इल्म की भी जरूरत है और तरबियत की भी जरूरत है। हमारे पास ना इल्म है आज और न तरबियत है, हम तरबियत भी नहीं करते। हमें अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए, उनके दिलो दिमाग में
वहदानियत का, अल्लाह ताला की वहदत का, तौहीद का अकीदा बिठाने की जरूरत है। रिसालत माँ, रिसालत है क्या? बस ये बता दिया बच्चों को कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, आगे उसको कुछ नहीं पता होता। ये रिसालत का मतलब क्या है, रिसालत के हम पर हुकूक क्या हैं, हमारा ताल्लुक की तो हमारे ताल्लुक की नौईयत रिसालत माँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या है, हमें ये समझने की जरूरत है। और ये जब जागुजी हो जाता है तो रसूल से इतना गहरा ताल्लुक हो जाता है कि वो ताल्लुक नाकाबिले मुनकता है, वो फिर मुनकता नहीं होता, फिर इंसान को एक लगन लगी रहती है। तो ये सीरत अपनाने के लिए होती है, सीरत मनाने के लिए नहीं होती। हम सीरत मनाते रहते हैं लेकिन सीरत को अपनाने का जब वक्त आता है तो हम भाग जाते हैं। तो सीरत को अगर हम अपना लेंगे तो फिर इस सीरत के मज़ाहिर आपको नजर आएंगे, फिर आपको किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस्लाम क्या है। इस्लाम तो चलता फिरता आपके अमल के अंदर नजर आएगा। और यह होता था कुरून उला के अंदर कि मुसलमान जहां जाता था, और सबसे बड़े तो ताजिर जाते थे। ये सियालकोट के लोग तो बहुत तिजारत करते हैं, ये दुनिया भर के अंदर जाते हैं, दुनिया भर में जाकर क्या पैगाम देकर आते हैं। आपके यहाँ के खित्ते के लोग उठकर जाते हैं, ये मलेशिया, इंडोनेशिया, ये मलाबार, ये सारा का लोग जो हैं वो सिर्फ ताजिरों की वजह से मुसलमान हो जाते हैं कि ताजिरों ने उन्होंने देखा कि वो हर ताजिर सादिक भी है, हर ताजिर अमीन भी है। तो अगर हमारा मुसलमान ताजिर और हमारा सनतकार ऐसा बन जाए कि वो जहां जाए उसके अमल के जरिए इस्लाम का एक मजबूत पैगाम पहुंचे, तो इस्लाम की इशात खुद ब खुद होती चली जाएगी। तो बताने का मकसद यह है कि ये फिक्र हो जब पैदा होगी, जब हम अकीदे की तालीम देंगे, हमने अकीदे की तालीम ही देना छोड़ दी। आपके न मदरसे में अकीदे की तालीम है, न मकतब में अकीदे की तालीम है, न मस्जिद में अकीदे की तालीम है, न स्कूल में है, न कॉलेज में है, न घरों में है, न बाहर। एक जमाना था कि आप जहां भी बैठते थे वहां आपको अकीदे की तालीम मिल जाती थी, हत्ता के बाजारों में बैठकर लोग अकीदा सीख कर आते थे और अपना अकीदा दुरुस्त कर लिया करते थे कि थोड़ी देर एक ताजिर के साथ बैठे हैं ईमान ताजा हो गया। वो आता था ना सहाबा किराम के बारे में कि वो कहा करते थे दार मुमिन बिना सार, आओ थोड़ी देर बैठकर ईमान ताजा कर ले। तो वो रिवाइवल ईमान का जो हुआ करता था वो एक तरबियती नशिस्त होती थी। हमारे यहाँ तरबियती नशिस्तें न घरों में है न बाहर, तो उसके असर है। तो दूसरी अहम चीज जो है वो अकीदा है, और अकीदे के बारे में भी आप यकीन जानिए कि इससे बड़ी कुव्वत और ताकत आपको मिलना मुश्किल है। बहुत बड़ी ताकत है, हमें एहसास नहीं है, लेकिन इस अकीदे ने ही बड़े बड़े मौजजात दिखाए, बड़े बड़े कारनामे दिखाए। आप अपनी तारीख पढ़ लीजिए कि मुसलमान का जब अकीदा मजबूत हुआ, जब वो तौहीद की तरफ आया, उसने बड़े कारनामे अंजाम दिए। और तीसरा बुनियादी सुतून जो है वो मकारिम अखलाक है, जिसका आज हमारे यहां दिवालिया निकला हुआ है। हमारे यहाँ आज दिवालिया निकला हुआ है कि अखलाकियात को तो हमने अपने निजाम जिंदगी से बिल्कुल अलग कर दिया, हमारे करिकुलम का ये हिस्सा ही नहीं रहा। जी अखलाकियात को बाकायदा पढ़ाया ही नहीं जाता। मुझे एक दफा ये ख्याल पैदा हुआ कि अंग्रेज के आने से पहले हमारा जो तालीमी निसाब था, उस तालीमी निसाब की कुछ चीजें निकाल कर अगर मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं तो मैं देखूं क्या इंपैक्ट होता है। तो इसका तजर्बा करने के लिए मैंने अपने खानदान के चंद बच्चों को छुट्टियों में जमा किया और उनको गुलिस्तान, बोस्तान, सरपिंद लुकमान, ये इस किस्म की चीजें हिकायात हैं इसके अंदर, और कुछ अशार हैं, इन हिकायात को मैंने सुनाना शुरू कर दिया रोज एक। अच्छा, क्योंकि हिकायतें दिलचस्प हैं तो वो दिलचस्पी से सुनते भी थे। तो आप यकीन जानिए कि मैंने महसूस किया कि इस चंद दिनों की एक्सरसाइज से एक वाज़े इंपैक्ट मुझे नजर आ रहा था उनके कैरेक्टर पर और किरदार पर। ये आप पढ़ाकर तो देखिए
ये कुरान की और हदीस की बातें ही हम करते रहते हैं, हम पढ़ाते नहीं अपने बच्चों को, बच्चों के लिए सोचते हैं कि हमने कौन सा स्कूल भेजना है जी? तो वो 20,000 फीस ले रहा है, कोई 30,000 फीस ले रहा है, कोई हद नहीं है, कोई इम्तिहान नहीं है जी? क्या सिखा रहे हैं क्या नहीं सिखा रहे हैं जी? हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने अपनी बच्ची को भेज दिया तो एक स्कूल के अंदर, तो स्कूल में उसे कहा कि तुम फला लड़के के साथ डांस करोगी। अब घर का माहौल नहीं था, वो लड़की बड़ी परेशान हुई, उसने नहीं डांस किया तो उसको अच्छे मार्क्स नहीं मिले। घर आकर बताया उसने तो वालिद भी बड़े परेशान हुए, ये क्या हुआ है क्या। तो खैर मुझे जिक्र हुआ तो मैंने कहा कि आपको जरूरत क्या है उस स्कूल के अंदर भेजने की है? इल्म जो है वो किसी की इजारादारी नहीं है, और ये आप याद रखिए कि इन स्कूलों में फीसें आप बेशक देते हैं, इल्म वहां भी आपको नहीं मिलता। मुझे याद है कि एक दफा मैं मलेशिया में था तो हमें जाने का इत्तेफाक हुआ, हम जाया करते थे कि एक लेक्चर हम इस किस्म के इंटरनेशनल स्कूलों में भी दिया करते थे। इंटरनेशनल स्कूल जहां सुबह से शाम तक अंग्रेजी का लबादा ओढ़े हुए होते हैं जी, हमने एक छोटी सी चीज लिखने को कहा बच्चों को, उन्होंने अंग्रेजी के अंदर लिखी जी, तो उसके अंदर 70% से ज्यादा बच्चों की अंग्रेजी की में स्पेलिंग की या ग्रामेटिकल गलतियां थी। तो ये आप छोड़ दीजिए कि वहां से इल्म मिलता है जी? तो वो एक क्लब बना हुआ है अमीर लोगों का क्लब है, वहां उन्होंने बच्चों को भेजना है। ये उनके लिए बाइस है फख्र है कि ये बताएं कि फलां स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता है, बस जी? कहीं बेचारे डार्ट स्कूल का कहेंगे तो शर्म आएगी। तो बताने का मकसद ये है कि इल्म के साथ अकीदे की तालीम को हमने नजरअंदाज कर दिया। अहदे रिसालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दिन से अकीदे की तालीम शुरू की, और आखिर वक्त में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होने वाला था और अबू बकर और उमर जैसे लोग कि जिनके अकीदे के अंदर कोई कमजोरी आ नहीं सकती थी, उनको भी अकीदे की तालीम देते रहे। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि जिस दिन अकीदा कमजोर पड़ जाएगा ये उम्मत कमजोर पड़ जाएगी। तो अकीदा दूसरा बुनियादी सुतून है, और ये याद रखिए कि इतनी बड़ी कुव्वत है ये, इस कुव्वत ने बड़े कारनामे दिखाए। और तीसरी बड़ी कुव्वत और तीसरा बुनियादी सुतून मकारिम अखलाक। मकारिम अखलाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल बेअसत का मकसद यह था कि आप दुनिया में अखलाकी अकदार की तकमील करते, और आपने तकमील की और ये बात बता दी कि मुसलमान मुस्लिम उम्मा का फर्द वो है जो अखलाक हसना पर फायज है, और जो शख्स अखलाक हसना पर फायज नहीं वो मुस्लिम उम्मा का फर्द नहीं, मेंबर नहीं। ये अहादीस हैं, खुल्लम खुल्ला है। लैसल मुमिन अल्लज़ी यशबउ वजारुहु जाइउन इला जंबी, वो शख्स तो मोमिन नहीं हो सकता खुद शिकम सेर होकर खाए और पड़ोसी भूख से बिलबिला रहे। ला ईमान लिमन ला अमानत ला, जो शख्स अमानतदार नहीं उसका कोई ईमान नहीं। ला दीन लिमन ला अहद ला, जो अहद की पासदारी नहीं करता उसका कोई दीन धर्म नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि या रसूलुल्लाह ये बताइए कि क्या किसी मोमिन से जिना का इर्तिकाब हो सकता है? आपने फरमाया हो सकता है किसी से गलती हो जाए ऐसा कर बैठे। पूछा गया या रसूलुल्लाह क्या कोई मोमिन चोरी कर सकता है? आपने फरमाया हो सकता है कि किसी से ये गलती हो जाए ऐसा कर बैठे। पूछा गया कि या रसूलुल्लाह क्या कोई मोमिन झूठ बोल सकता है? आपके चेहरे का रंग बदल गया और आपने फरमाया कि ला वल्लाहि खुदा की कसम मोमिन झूठा नहीं हो सकता। आज आप देख लीजिए अपने यहां क्या हाल है जी, टॉप ऊपर से लेकर और नीचे तक झूठ बोलने में सरफहरिस्त आपको नजर आएंगे। तो फिर कैसे उम्मीद रखें हम कि अल्लाह ताला ऐसी कौम की मदद करेगा? बल्कि आप ये देखिए कि अल्लाह ताला की जो सुन्नत हमें नजर आती है
तरीम अकवाम को पढ़ लीजिए तो अल्लाह ताला की सुन्नत यह है कि आखरत में हिसाब किताब इंडिविजुअल का होता है। हर फर्द को आप अल्लाह ताला के हुजूर पेश होना है और हर शख्स अपने लिए जवाब दे और अपने हिसाब किताब के बाद उसका फैसला होगा कि वो कामयाब है या नाकाम है। लेकिन दुनिया के अंदर अल्लाह तबार ताला इज्तिमाई फैसले करते हैं, इंफरादी फैसले नहीं करते। और तारीख हमें बताती है, कुरान हकीम हमें बताता है कि अल्लाह ताला ने कौमों को तबाह किया जुल्म और बदअखलाकी की दुनिया में। जब कोई कौम जुल्म का शिकार हो जाती है और अखलाकी गिरावट का शिकार हो जाती है, अखलाकी तौर पर उसका दिवालिया हो जाता है, तो वो कौम जिंदा नहीं रहती, उसे तबाह और बर्बाद कर दिया जाता है। तो अब आप देखिए कि हम इसके साथ ये उम्मीदें रखें कि हम हों तो बददियाना बदअखलाक, झूठ भी बोलने वाले हों, खयानतें भी करने वाले हों, रिश्वतें भी खाने वाले हों, ये हर बुराई के अंदर हम मुलव्वस हों, और फिर अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह तू मुसलमानों की मदद नहीं करता तो कैसे करें। अल्लाह ताला तो आमाल को देखता है, तुम्हारे चेहरों को और नसब को और नामों को नहीं देखता। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अंसाबिकुम, ना तुम्हारा नसब नामा देखता है कि तुम किसके बेटे हो, वो तो ये भी नहीं देखता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्तेदार है। अबू जहल और अबू लहब तो रिश्तेदार थे ना जी, लेकिन अल्लाह के यहां उनकी कोई हैसियत नहीं। जिक्र जो लोग कोई कलू जवार का रिश्ता नहीं रखते थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी थे, बिलाल अक्ष को ले लीजिए। तो बताने का मकसद यह है कि ये अखलाकी अकदार इतनी अहमियत रखती हैं कि इससे ज्यादा अहम कोई चीज नहीं। और दुनिया के अंदर आज भी ये बहुत बड़ी कुव्वत है, इससे बड़ी कोई कुव्वत को आपको और नजर नहीं आएगी। आपको नजर आता है दुनिया के अंदर आज भी इलेक्शन होते हैं, है ना, बड़े बड़े ममालिक में अमरीका जैसे मुल्क के अंदर एक कैंडिडेट की कोशिश होती है कि दूसरे कैंडिडेट का ग्राफ नीचा चला जाए, नहीं जाता, अरबों खर्च कर देता है, करोड़ों डॉलर खर्च कर देता है, लेकिन अगर उससे कोई अखलाकी गलती सरजद हो जाए तो उसका ग्राफ बिल्कुल नीचे चला जाए। इससे अंदाजा कर दीजिए कि आज के दौर में भी अखलाक की बहुत बड़ी कुव्वत है। इन तीन कुव्वतों से आज हमें ये तीन पिलर्स हैं, जब भी मुस्लिम उम्मा उठेगी इन तीन पिलर्स को अगर संभाल लेगी तो इनके ऊपर अगर मुआशरे को कायम करेगी तो मुस्लिम उम्मा उभर कर अपना किरदार अदा कर सकेगी, वरना इनके बगैर अपना किरदार अदा नहीं कर सकेगी। आज हम गुफ्तगू जो असल करना चाह रहे हैं वो तो अब उसूलों के ऊपर करना चाह रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या उसूल हमें दिए। एक उसूल पर मैं पहले आपके सामने गुफ्तगू कर चुका हूं, वो उसूल मंसूबाबंदी का था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया कि आप प्लानिंग करें जी, मंसूबाबंदी करें। जब आप मंसूबाबंदी करेंगे तो उसके अंदर आप अपने वसाइल को भी देखेंगे, आप अपनी हैसियत को भी देखेंगे, आप मकासिद को भी देखेंगे, मकासिद पर भी गहरी नजर रखेंगे और उसके लिए प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो मंसूबा बंदी जो है वो एक बहुत अहम उसूल है, हमें बाकायदा मंसूबा बंदी करनी चाहिए हर जगह। हम अपनी फैमिली के अंदर भी एक मंसूबा बनाएं कि हमने बच्चों की तालीम तरबियत कैसे करनी है और किस तरह इनको एक हाईएस्ट लेवल तक लेकर जाना है, उसमें मुझे क्या क्या अचीव करना है, मेरे मकासिद तालीम के क्या है। तालीम के मकासिद अगर हमने तालीम कर ली, उनका तायुन कर लिया और मकासिद अच्छे मुतायन कर लिए तो इंशाअल्लाह उसके अच्छे नतायज जरूर बरामद होंगे। फिर इनके अंदर आपको बसाओकात तरजीहात का तायुन भी करना होता है जी। बसाओकात आप एक वक्त में बहुत से काम नहीं शुरू कर सकते जी, तो आप अपना तायुन कर लेते हैं कि मेरी अब तरजीह क्या है, अपने हालात अपने वक्त और अपनी जरूरतों को पेश नजर रखते हुए आप तरजीहात का तायुन करते हैं कि आपकी तरजीहात क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरजीहात का तायुन किया करते थे और ये बात याद रखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरजीहात में ये तीनों बुनियादी उसूल हमेशा रहे।
कभी इनको नजरअंदाज नहीं किया कि इल्म को नजरअंदाज करने या अकीदे की अहमियत को नजरअंदाज करने या अखलाकियात से सर्फ नजर कर लें, आप कभी यह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि मोमिन का अखलाकी मकाम जो है वो नीचा हो जाए। चुनाचे आपकी तरबियत ही का यह नतीजा था कि उस दौर में भी मुसलमान दुनिया की हर कौम से इन तीनों चीजों में नुमाया होता चला गया। वक्त के साथ साथ इल्म में भी दौर जाहिलियत से आगाज किया और दौर जाहिलियत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10-12 साल के अंदर अंदर ये मुसलमान जो थे वो एक्सेल करने लगे इल्म के मैदान में और इन्होंने सबको पीछे छोड़ा। इसी तरीके पर अकीदा तो इनका था ही मजबूत, लेकिन अखलाकियात के अंदर भी आप ये देखिए कि उस दौरे जाहिलियत में कुछ अखलाकी कदरों की पैरवी दौरे जाहिलियत के मुश्रिकीन भी करते थे और यहूदी भी करते थे और इस यहूदी इसी की बुनियाद पर तिजारत पर भी छाए हुए थे, लेकिन मुसलमान का मुकाबला कर ही नहीं सकते थे। मुसलमान इनसे कहीं ज्यादा आगे था, यानी यूं समझ लीजिए कि कोई कंपैरिजन नहीं था अखलाकियात में। जिस तरह आज शायद बदअखलाकी में हमारा किसी से कंपैरिजन ना हो, लेकिन उस वो जमाना ऐसा गुजरा है कि अखलाक में कोई शख्स जो है वो मुकाबला ही नहीं कर सकता था मुसलमान से, और वो देखकर ये समझ जाता था कि ये यकीनन मुसलमान होगा और वो चलता फिरता एक नमूना होता था। तो ये मैंने बताया कि उसूलों की तालीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी और ये कहा है कि तुम जो भी छोटा काम शुरू करो या बड़ा काम शुरू करो एक प्लानिंग करो और उस प्लानिंग के तहत आप मकासिद का भी तयन करें और मकासिद का तयन करके फिर आगे बढ़ते चले जाएं। इसमें जब हम दूसरे उसूलों की तरफ आते हैं, एक और उसूल है, इस उसूल का बड़ा गहरा ताल्लुक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सिफत कहलाती है। कुरान हकीम ने भी कहा कि आपको कि वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने सारी दुनिया के लोगों के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस रहमतुल लिल आलमीनी का बड़ा गहरा ताल्लुक है जिस उसूल को मैं डिस्कस करना चाहता हूं, वो उसूल है उसूल तहसीर फैसिलिटेशन। ये आपका काम यह था कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, लोगों के लिए सहूलत पैदा की जाए, उनकी मुश्किलात को दूर किया जाए, और कोई कानून कोई कायदा कोई जाब्ता ऐसा ना बनाया जाए कि जिससे मुस्लिम उम्मा मुश्किल के अंदर परेशानी के अंदर या डिफिकल्टी के अंदर आ जाए। चुनाचे ये एक कानून बन गया कि जहां कहीं मुश्किल पैदा होगी वो इस्लाम के खिलाफ होगी, लिहाजा आपको सहूलत पैदा करनी होगी। और ये सहूलत का कानून जो है इसको अल्लाह ताला ने इबादात में भी अप्लाई किया कि आपकी इबादात है आपके लिए डिफिकल्टी पैदा हो गई, आप बीमार हो गए, आप मस्जिद नहीं जा सकते, घर पर नमाज पढ़ लीजिए, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते बैठकर पढ़ लीजिए, सफर के अंदर हैं आप दो रकात पढ़ लीजिए, रोजा नहीं रख सकते बाद में कजा कर लीजिए। तो इबादात के अंदर भी अल्लाह ताला ये यूसुफ को पैदा करता है। ठीक, तो इस ये यूसुफ जो है ये इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है कि आप रहमत हैं तमाम दुनिया के इंसानों के लिए, और ये रहमत होने का जो ताल्लुक है इसका ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं, बल्कि ये रहमत के असरात दुनिया की तमाम अकवामों तक पहुंचने चाहिए। चुनांचे आप देखिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस यूसुफ को बड़ा अप्लाई किया। एक चीज बड़ी दिलचस्प नजर आती है सीरत के मुताले में, मैं चूंकि सीरत का तालिबे इल्म हूं तो मैं इस पर बड़ा गौर करता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का मुकर्रमा में रहे अहले मक्का ने हर तकलीफ आपको पहुंचाई, जिस्मानी तकलीफें भी पहुंचाई, फिक्री तकलीफें भी, जहनी तकलीफें भी पहुंचाई और रूहानी तकलीफें भी पहुंचाई। लेकिन ये दुश्मनी जितनी भी आपको नजर आ रही है ये एक तरफा है।
अहले मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से दुश्मनी करता रहे, मुसलमानों ने कभी भी दुश्मनी नहीं की अहले मक्का से। इस सब के बावजूद जब भी मौका आया, बड़े से बड़ा दुश्मन क्यों ना हुआ, उसको अफ़ दरगुज़र कर, उसके साथ अफ़ दरगुज़र ही किया, और बड़े से बड़े मुजरिम को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ फरमा दिया। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए तो कोई मुज़ाहमत नहीं हुई। मुज़ाहमत सिर्फ इसलिए नहीं हुई कि दुश्मनी एक तरफा थी, उधर से दुश्मनी थी, इधर से दुश्मनी थी। उन्हें मालूम था कि जो शख्स आ रहा है ये शख्स रहमतुल्लिल आलमीन ही है। और ये याद रखिए कि कोई शख्स रहमतुल्लिल आलमीन नहीं हो सकता जब तक कि वो मकारिम अखलाक पर फायज ना हो। इन्नकल आला खुलुकिन अजीम, कि हमने आपको खुलुक अजीम पर फायज किया है। तो रसूल खुलुक अजीम पर फायज होकर काम करता है। हम ये चाहते हैं कि नमालूम कहां खड़े होकर काम करें। हम हर वक्त डंडा लिए खड़े होते हैं, ये गाली गलौज करने के लिए तैयार रहते हैं, बुरा भला कहने के लिए तैयार रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर बड़े गुस्ताखाना अंदाज में लोग बात कर लेते थे, लेकिन जवाब कोई हकीम का हकीमाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब इतना हकीमाना होता था कि वो शख्स गुस्ताखी करने वाला खुद शर्मिंदा हो जाता था। तो ये आज हमारे अंदर से खत्म होता चला जा रहा है कि खुल्क अजीम की तरफ हमने तवज्जो देना छोड़ दी। और ये उसूल तहसीर जो है, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू है जल्बुल मसलहा और दूसरा पहलू है दफ़ुल ज़रर। दफ़ुल ज़रर का मतलब यह है कि पहले परेशानी को, मुश्किल को, डिफिकल्टी को दूर करना, चाहे जो भी जिस किस्म की डिफिकल्टी हो, इंफिरादी हो या इज्तिमाई हो, पहले उसको दूर किया जाए और फिर मसलहत को और सहूलत को अवेल किया जाए। ये फिक्र इस्लामी के कानून का एक हिस्सा बन चुका है। आप कोई कानून ऐसा नहीं बना सकते कि जिसमें मुस्लिम उम्मा प्रॉब्लम का शिकार हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर आप मोटरवे पर सफर करें तो मोटरवे पर बहुत सी हिदायत लिखी है, आप गौर कर लीजिए, उनमें से अक्सर हिदायत बड़ी अहम जरूरी हिदायत अंग्रेजी में। आपका जो ड्राइवर जो उस पर सफर कर रहा है वो 70% 80% अंग्रेजी नहीं जानता, तो इसका मतलब ये कि आपने वो अंग्रेज वहां से आएगा कोई मजदूर, तो उसके लिए ये हिदायत लिखी है, अपने मुल्क के लोगों के लिए यह हिदायत नहीं। तो यह गैर कानूनी किस्म का अमल है, इसको खत्म होना चाहिए। अगर शरीय कानून रायज हो तो ऐसा करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। या मिसाल के तौर पर आप में से बहुत से लोग अपने इनकम टैक्स का रिटर्न जमा कराते हैं, एक बड़ा मुश्किल सा फार्मूला बनाकर रख दिया। शरीयत ये चाहती है कि नहीं, आप टैक्स जरूर वसूल कीजिए, टैक्स वसूल करने में कोई हरज नहीं, जरूर वसूल कीजिए, लेकिन लोगों को परेशानी में और डिफिकल्टी में डाल कर ना कीजिए। अच्छा, इस पर और अकवाम तो अमल करती है, लेकिन हम अमल नहीं करते। अब अगर आप रिटर्न जमा कराना चाहें तो आप नहीं जमा करा सकते, आपको पहले वकील करना पड़ेगा। जी, वकील करेंगे, वो वकील जो है वो आपका रिटर्न पहले आपसे फीस लेगा, फिर आपका रिटर्न जमा कराएगा। तो एक मुश्किल क्यों पैदा कर दी, आप लोगों को सहूलत क्यों नहीं पैदा करते? मुझे याद है मैं यूके में था, तो मैं रिसर्च स्कॉलर के तौर पर वहां गया था, काम कर रहा था यूनिवर्सिटी में, तो एक छोटा सा जॉब भी मैंने कर लिया था। तो मैं एक लॉयर्स की कंपनी थी, उसमें एज ए ट्रांसलेटर उनके पास आते थे लोग, तो उनके तर्जुमानी में कर दिया करता था। तो वो मुझे 40 स्टर्लिंग पाउंड दिया करते थे पर सेकंड, चाहे वो आधे घंटे की हो या 4 घंटे की, ये जब होता था। तो ये जब मुझे मिलने लगा तो मैंने टैक्स जमा करा दिया, टैक्स जमा कराता रहा, कई महीने जमा कराता रहा।
उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि आप तो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं, ये तो आप पे अप्लाई नहीं होता, आपको तो नहीं टैक्स जमा नहीं कराना है, इट इज नॉट योर परमानेंट जॉब, कभी कभार होता है तो आपको नहीं जमा कराना चाहिए। तो मैंने उठा के टेलीफोन किया टैक्स डिपार्टमेंट को, रेवेन्यू वालों को, और मैंने बताया कि मैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ और ये मेरा नंबर है और मैं फला महीने से ये टैक्स जमा करा रहा हूँ और मुझे पता चला कि मैं एज ए स्टूडेंट मुझे जमा नहीं कराना चाहिए, कह लगे अच्छा ठीक है बंद कर दी। अच्छा मैंने कब शायद वो कहेंगे मुझसे कि कोई डॉक्यूमेंट जमा कराएं और कोई तहरीर लिख कर जमा कराएं, कोई दरखास्त दें, हमारे यहाँ तो हर चीज़ के लिए दरखास्त मांगी जाती है। नेक्स्ट डे वो सारी की सारी अमाउंट मुझे घर पर मिल गई, मुझसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा, मुझे नहीं मालूम उन्होंने यूनिवर्सिटी से पता किया नहीं किया या मुझ पर एतमाद किया, हम तो एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते ना, हमारे नज़दीक सब झूठे हैं ये, सब बददियानत हैं ये, तो हम तो एतमाद नहीं करते, वो तो एतमाद करते हैं, हो सकता है उन्होंने एतमाद किया। तो बहरहाल ये मुझे नेक्स्ट डे सारी की सारी अमाउंट जो मैंने टैक्स जमा कराया था मुझे वापस मिल गई। तो वो लोग सहूलत पैदा करते हैं जबकि शरीयत का उसूल तो आपको शरीयत ने दिया था कि आप पब्लिक के लिए सहूलत पैदा करें। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में आपने टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने वालों को भेजा कि जाओ तुम कलेक्ट करके लाओ, वो एक बस्ती में गए, बस्ती में जाकर अनाउंस करवा दिया, वहां से तमाम लोग जमा हो गए। तो जमा हो गए तो चारों तरफ इकट्ठे थे तो हजरत उमर भी इत्तेफाक से निकले कि देख के आए कि ये किस तरह टैक्स वसूल कर रहे हैं। वहां जब पहुंचे तो देखा कि ये जो रेवेन्यू लेने वाले हैं ये एक तख्त है जो सायेदार दरख्त के नीचे बिछा हुआ है, ये तो उस पर बैठे हुए हैं और चारों तरफ लोग इनके जमा हैं, कुछ लोग उसमें धूप में भी हैं, कुछ साय में हैं। तो हजरत उमर ने इसका बड़ा सख्ती से नोटिस लिया और कहा कि वो देने वाले हैं तुम लेने वाले, लिहाजा तुम्हें वहां होना चाहिए उन्हें यहाँ होना चाहिए, ये तुम सहूलतों के में उठा रहे हो, लिहाजा इनको तकलीफ देकर इनको जलील करके तुम इनसे टैक्स वसूल नहीं करोगे। और चुनाची ये बंद कर दिया गया, उनको कहा गया कि आप घर घर जाकर वसूल कर ले लेकिन इस तरीके पर ना करें जब तक कि आप इनके लिए सारी सहूलतें मुहैया ना कर लें। तो इससे अंदाजा कर लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये युसर का तहसीर का आप इंस्टीट्यूशन प्लान करें, आप कोई भी मुल्क का कानून बनाए, कानून बनाएंगे तो यकीनन आप प्लानिंग तो करेंगे ना, आप देखेंगे कि इसके मकासिद क्या है, इससे लोगों को सहूलत पैदा होगी या लोगों के लिए डिफिकल्टी पैदा हो जाएगी। जहां डिफिकल्टी पैदा हो जाएगी वहां रूल ये युसर का तहसीर का युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसर वला युरीदु बिकुमुल उसर, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तंगी पैदा करना नहीं चाहता, तुम्हारे लिए सहूलत पैदा करना चाहता है। तो अल्लाह ताला जब सहूलत पैदा करना चाहता है तो अब हुकूमत का काम यह है कि कोई कानून ऐसा नहीं बनाएगी जिससे मुस्लिम उम्मा के लोग इंफिरादी या इज्तिमाई तौर पर तकालीफ का शिकार। फिर इस यूसुफ के बारे में आप देखिए कि एक बड़ी अहम हदीस है हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की, कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया कि लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कोई हुक्म नहीं देते थे जिसकी करने की लोगों में इस्तेतात और ताकत ना हो, लोगों में जिस चीज का काम करने की इस्तेतात है, जो काम वो कर सकते हैं उसी को करने का हुक्म देते थे। तो यहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज इस्तेमाल किया है कि उनमें उन काम करने की ताकत है या नहीं है। अब ठीक है कि लोगों को पता चल गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है और इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, तो बास सहाबा के दिल पे ये ख्याल हुआ कि हमें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर अमल करना चाहिए, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो हस्ती हैं कि अल्लाह ताला ने अगले पिछले सब कुछ माफ कर दिया, आप तो एक मासूम बनकर आए हैं,
तो अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में जब ये चीज रसूल को हासिल है तो हमें मकाम हासिल करने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो लोगों ने ये बात कही कि या रसूल अल्लाह, आपको तो अल्लाह ताला ने ये मकाम आता किया है, हमें तो ये मकाम आता नहीं किया, लिहाजा हम तो सारी सारी रात इबादत करेंगे, ये सारा सारा साल रोजे रखेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतगय्यर हो गया, इंतहाई गुस्से हुए और आपने फरमाया कि देखो मुझ जैसा तुम में कोई नहीं हो सकता, मैं तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी हूं, सबसे ज्यादा परहेजगार हूं, लेकिन मैं रोजा रखता भी हूं, रोजा खोलता भी, मैं रात को सोता भी हूं, रात को इबादत भी करता हूं। लिहाजा ये कोशिश तुम्हें नहीं करनी चाहिए कि अपनी इस्तेदाद से ज्यादा तुम ये काम करना शुरू कर दो, नहीं, जितना सहूलत के साथ करते रहो। देखिए अल्लाह ताला को दवाम पसंद है, आप दो रकात पढ़िए लेकिन उसमें इस्तेक़लाल रखिए, दायमी तौर पर दो रकात रात को तहज्जुद की पढ़ लीजिए, चार की तौफीक मिले चार की पढ़ लीजिए, अगर छः और आठ की तौफीक मिलती है छः और आठ पढ़ लीजिए। ये तो सहर अंगेजी, ये तो अल्लाह ताला किसी किसी को देता है और जिसको वो लज्जत आने लगे, वो सहर अंगेजी की लज्जत जिसको आने लगे ना, वो तो इकबाल से पूछिए कि कितनी लज्जत है उसके अंदर, ये तो वो तो फिर जरूर रात को उठेगा और जरूर तहज्जुद पढ़ेगा। लेकिन ये कि अगर नहीं पढ़ सकते तो फर्ज भी नहीं किए, ये नहीं कि आप रात को तहज्जुद के लिए तो उठ जाएं लेकिन फजर की नमाज के वक्त सोते रहें, है ना। अब तो हमारी कौम को एक ये रास्ता दिखा दिया गया कि बस सोते रहो, हमारा ताजिर भी सोता रहता है। ये आप ये देखिए कि इस्लामाबाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि जो काम सुबह सवेरे शुरू किया जाए बरकत उसमें, हमारा ताजिर 12 बजे छो के उठ के आता है तो फिर 12:30 बजे है ना जिना सुपर की दुकानें खुलना शुरू होती और फिर रात को 12-1 बजे तक चलती रहती है। और जो बेचारा दुकान पर काम करने वाला होगा रात को 12-1 बजे दुकान बंद करके वो घर जाएगा, पहुंचते पहुंचते 1-2 बज जाएगा, तो यकीनन उसकी फजर की नमाज हो जाएगी। तो बरकत इसमें नहीं है, दुनिया तो इस पर अमल नहीं करती, ये सिर्फ आपको पाकिस्तान में ही मिलेगा, पाकिस्तान से बाहर निकल जाए तो कहीं नहीं मिलेगा। अब आप ये देखिए कि ये बरकतें कहाँ से आए, चाइनीज को अगर आप देखें तो आपने से बहुत से लोगों को तजर्बा हुआ होगा, चाइनीज सुबह सवेरे तहज्जुद के वक्त ही उठता है, चाहे वो जो भी इबादत करे उठता तहज्जुद के वक्त है और अपने कारोबार के लिए काम का आवाज वो उस वक्त शुरू कर लेता है। शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने उन्हें बरकत दे दी है, हमें बरकतों से महरूम कर दिया कि हम 12 बजे तक सोते हैं। और अक्सर हमारे मुसलमान घरानों में बच्चे बच्चियां छुट्टी का दिन है बस ठीक है, 12 बजे से 1 बजे से पहले उठने का नाम नहीं लेता। तो ये सारी जो रिवायात तब्दील हो रही हैं, तो रिवायात गलत राह के ऊपर चलती चली जा रही हैं और हमने भी आंखें बंद की हुई है, हम न बच्चों की तरबियत करना है, न बच्चों को अपने सबक पढ़ा रहे हैं, न उनको बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तैसीर का हुक्म हमें बहुत कसरत के साथ दिया और यहां तक कहा कि अगर तुम नमाज पढ़ा रहे हो और नमाज पढ़ाने के अंदर भी कहते हैं कि लंबी लंबी नमाजें ना पढ़ाओ, इसमें ज़ईफ लोग भी होंगे, बूढ़े लोग भी होंगे, कुछ ऐसी ख़वातीन भी होंगी, हमारे यहाँ तो रास्ते ख़वातीन के बंदी कर दिए गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो ख़वातीन भी आती थी, ऐसी ख़वातीन भी होंगी कि उनके छोटे छोटे बच्चे होंगे उन्हें अपने बच्चों को संभालना भी है, तो ज़रा उनका ख्याल रखते हुए तुम नमाज पढ़ाया करो। हजरत एक जलीलुल कद्र सहाबी थे हजरत माज इब्ने जबाल जबल, वो उन्होंने एक रोज नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाई तो अपना एक ज़ौक होता है, जब तिलावत शुरू की तो जब एक मोमिन को तिलावत में लज्जत आने लगती है तो ज़रा लंबी हो जाती है, नमाज लंबी हो गई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा सख्ती से नोटिस लिया
और तीन दफा कहा अफत्तानुनंत या माज, ए माज लोगों को तुम फितने में डाल लोगे, ए माज तुम लोगों को फितने में डाल लोगे, ये तीन मर्तबा कहा और ये तंबीह की कि इतनी लंबी लंबी नमाजें ना पढ़ाओ। तो नमाज जैसी इबादत जिसको ये कहा गया है कि ये तो मोमिन की मेराज है जी, इसी से मोमिन की ओवरहॉलिंग होती है जी, इतनी अहम चीज के बारे में भी कहा है कि इसके अंदर भी आप इख्तिसार कीजिए, इसके अंदर भी आप यूसुफ का पहलू रखिए। अपने हुक्मरानों को, गवर्नरों को और आमिलों को जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकर्रर फरमाते थे तो सबसे पहला हुक्म यही देते थे कि यस्सिरू वला तुबशिरू तुनफ्फिरू, कि तुम लोगों के लिए सहूलत पैदा करना, वहां जाके मुश्किलात पैदा न करना, ऐसे कायदे कायदे कानून जाते नाफिल न करना जिससे लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हो जाए। अच्छा, यहां मुश्किलात हम ये नहीं सोचते कि मुश्किलात का असर क्या पड़ रहा है, बच्चों पर क्या पड़ रहा है, दूसरे लोगों पर क्या पड़ रहा है। मुझे याद है हमारे एक दोस्त उस रेड जोन एरिया में रहते थे कि जहां ये धरना हुआ था, और चूंकि धरना बड़ा तवील हो गया था, दो महीने तक चलता रहा, और वो रास्ते सारे के सारे बंद, हर वक्त कभी शेविंग हो रही है, कभी लाठी चार्ज हो रहा है जी, खाने पीने का मसला हो गया, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा जी, कहीं बेचारे बच्चों को लेके मुंतकिल हुए। ये दो महीने तक आप देखिए कि कितनी परेशानी के अंदर लोग मुब्तला हुए हैं जो उस एरिए के अंदर रिहायश पजीर लोग हैं। तो बताने का मकसद ये है कि ये यूसुफ का लफ्ज सबके लिए है, तो तुम आसानी पैदा करो। हजरत माज इब्ने जबल और उनके साथ हजरत यासिर को जब भेजा था तो उन्हें भी कहा कि यस्सिरा वला तुबशिरा तुनफ्फिरा, कि लोगों के लिए तुम सहूलतें पैदा करना, उनको मुतनफ्फिर न करना, बशिरा वला तुनफ्फिरा, कि तुम उनको खुशखबरियां सुना देना और दीन से दूर ना करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अहबुद्दीन इलल्लाह अलहनीफियतु समहा, अल्लाह ताला के नजदीक बेहतरीन दीन वो दीन हनीफी है जो आसान, वो आसान हो, उसके अंदर मुश्किलात ना हो। और आपने अपने बारे में भी फरमाया कि वलाकिन्नी बुडिस्तु बिल हनीफियत समहा, मुझे आसान दीन ही देकर भेजा गया है। अब आप देखिए कि कुरान हकीम ने दीन के अंदर भी हुलू करने से मना कर दिया, शिद्दत का रास्ता इख्तियार करने से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तग़लू फ़ी दीनिकुम, अपने दीन के अंदर भी हुलू ना करो। तो दीन के अंदर भी हम बसा औकात हुलू करना शुरू कर देते हैं, किस्से कहानियां घड़ना शुरू कर देते हैं। तो देखिए जो सही बात अल्लाह और उसके रसूल की सही बात है वही मौसिर होती है, किस्से कहानियां मौसिर नहीं होते। लिहाजा मन घड़त किस्से कहानियां सुनाने की जरूरत नहीं, अल्लाह का कलाम सुनाइए, इसी के अंदर सबसे ज्यादा असर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, इय्याकुम वल गुलू फिद्दीन, तुम हमेशा दीन में गुलू करने से, मुबालगा आराई करने से और शिद्दत पैदा करने से डरो। फइन्नमा अहलक मन कान कब्लकुम अल गुलू फिद्दीन, दीन में गुलू ने बहुत सी कौमों को तबाह बर्बाद कर दिया। तो दीन के अंदर भी शिद्दत नहीं है, दीन बड़ा आसान है, बड़ा सहूलत का अल्लाह ताला ने दीन दिया है। तमाम देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको भी दीन का पैगाम पहुंचाया उसे कभी ये सवाल पैदा नहीं हुआ कि इस पर अमल करना कोई मुश्किल काम। तो बड़ी सहूलत के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम करवाया। या अहलुल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, चूंकि अहले किताब गुलू करते थे कि कोई पैगंबर को खुदा बना देता है ना, कि हजरत ईसा अलैहि सलाम को उलूहियत के दर्जे पर पहुंचा दिया, तो ऐसा ना करो, जो रसूल है वो रसूल है, बस रिसालत उसको अल्लाह ताला ने दी है, उसका मकाम मकामे रिसालत है, मकामे रिसालत को समझने की जरूरत है, उसका अल्लाह ताला के साथ कोई मुकाबला नहीं, वो अल्लाह की उलूहियत में शरीक नहीं, वो वहदहू ला शरीक।
इसी तरह आपको बेशुमार हदीसें नजर आएंगी जी। हल एक जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हलकल मुतरद्दिउन, मुतरद्दिउन कहा जाता है कि मुशिदाफियां और गुलूव करने वाले लोग जो है वो तबाह और बर्बाद हुए। तो ये तबाही और बर्बादी का रास्ता है। तो शिद्दत दीन के अंदर, ये दीन में जो फिरके बनते हैं ये भी गुलूव की वजह से बनते हैं। गुलूव जब हम पैदा करते हैं तो ये फिरकों की तरफ हमें ले जाता है। कोई हर फिरका फिर ये समझता है कि अब दीन मेरा ही सच्चा है, मैं ही सच्चा हूं और सब गलत है। दीन ने एक बड़ा उसूल हमें दे दिया। वो उसूल ये है कि बेके क्राइटेरिया और मेयार सिर्फ अल्लाह की किताब और रसूल की सुन्नत है। दुनिया के अंदर कोई बड़े से बड़ा इंसान मेयार नहीं, और इस वजह से मेयार नहीं कि कोई और आपके ईमान का हिस्सा है। आप अल्लाह पर ईमान रखते हैं और रसूल की रिसालत पर ईमान रखते हैं, तो रसूल हिस्सा ईमान है, लिहाजा रसूल की इताअत तो हर हालत में क्या है, लाजमी और जरूरी है। लेकिन इसके अलावा किसी और की राय वो मकाम नहीं रख सकती कि जो मकाम अल्लाह और उसके रसूल की राय हो। यही वजह है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हमेशा उन्होंने सारी जिंदगी मदीने मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में बैठकर दरस हदीस दिया, और इस दरस हदीस में वो अक्सर एक लफ्ज कहा करते थे, बड़ा इल्हामी किस्म का जुमला है कि कुल्लुन युक्बलु कौलुहु व युरद, हर शख्स की बात कबूल भी की जा सकती है, रद्द भी की जा सकती है, इल्ला साहिब हाज़िल कब्र, हाँ इस कब्र में जो साहब सोए हुए हैं उनकी बात रद्द नहीं की जा सकती, उसको कबूल ही करना। तो ये अल्लाह तआला ने एक क्राइटेरिया हमारे लिए मुकर्रर कर दिया है। आप ये देखिए क्या अबू बकर का मकाम, अंबिया के बाद सबसे बड़ा मकाम अबू बकर है, लेकिन क्या अबू बकर की राय से लोगों ने इख्तलाफ नहीं किया? किया, आप देख लीजिए हजरत उमर राय और रखते हैं, हजरत अबू बकर की राय और, इख्तलाफ राय है लेकिन दोनों में इखलास है। अबू बकर में भी इखलास है और उमर में भी इखलास है, गुफ्तगू चल रही है, आर्ग्यूमेंट चल रहा है। अच्छा, इस आर्ग्यूमेंट के अंदर अब उमर की जो दलील है वो दलील इंटेलेक्चुअल दलील है, कुरान सुन्नत से कोई दलील नहीं पेश कर रहा, लेकिन अकली दलील की भी एक अहमियत है, आपको उसे भी कबूल करना होगा। वो कहते हैं कि नहीं, कुरान की हिफाजत दरअसल उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत है। अगर आज हम जो बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान हकीम को सुनने वाले हमने इसको महफूज न किया तो न मालूम 500 साल 600 साल बाद अगर कोई शख्स खड़ा होकर ये कहे कि कुरान का ये हिस्सा शायद कुरान का हिस्सा नहीं है तो उसको कौन साबित करेगा। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इसको एक किताबी शक्ल के अंदर अब जमा कर दें। अब ये राय आ गई, शुरू में हजरत अबू बकर इससे इख्तिलाफ करते रहे लेकिन बाद में हजरत अबू बकर को भी इससे इत्तेफाक हुआ, और जब इत्तेफाक हुआ तो हजरत अबू बकर ने ये अल्फाज कहे कि लकद शरहतल्लाहु सदरी लिमा शरह सदरा उमर, के अल्लाह ताला ने मुझे भी शरह सदर अता कर दिया, इत्मीनान कल्ब अता कर दिया उस बात पर कि जिस पर शरह सदर और इत्मीनान कल्ब उमर को हो चुका। तो देखिए इख्तिलाफ हुआ और इख्तिलाफ के बाद फिर इत्तिफाक की तरफ आ गए। ये इख्तिलाफ किसी के बाद इत्तिफाक की तरफ जो आए, इत्तिफाक की तरफ लाने वाली चीज इख्लास है। अगर हम मुतकब्बिर हो जाए, मैं कहूं कि नहीं मैं तो मुल्क का वजीर आजम हूं, मेरी बात माननी चाहिए, मैं तो इतना बड़ा प्रोफेसर हूं, इस इल्म का मैं बड़ा माहिर हूं, लिहाजा मेरी बात माननी चाहिए, नहीं मेरी बात में गलती हो सकती है, इम्कान है गलती का, मैं दूसरे के आर्ग्यूमेंट को सुन तो लू वो कह क्या रहा है, अगर उसका का आर्ग्यूमेंट उसकी दलील ज्यादा बेहतर है तो मुझे उसको कबूल कर लेना चाहिए। लर्निंग का यही अहम प्रोसेस है, आप मुझसे लर्न करेंगे मैं आपसे लर्न करूंगा, आपकी मेथडोलॉजी और है मेरी मेथडोलॉजी और है, आपको मेरी मेथडोलॉजी और मेरे मनहज को समझने का मौका मिल रहा है और मुझे आपके मनहज का
मौका मिल रहा है। तो इख्तिलाफ को इसीलिए कहा गया कि इख्तिलाफ ऐसे लोगों का कि जो इखलास इल्म और दलील की बुनियाद पे हो वो सरासर रास्ता है, तो उसको कबूल करना चाहिए। तो ये आप देखिए कि तहसीर का उसूल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में हमें मिल रहा है। मेरा ख्याल है कि मैं चाहता था कि एक और उसूल को भी बयान करूँ एहतिसाब का उसूल, लेकिन शायद मेरे पास वक्त नहीं। नमाज मगरिब में आने इस्तेमाई ही पढ़ लेते हैं 10 मिनट बाद, ओके हम जमात कर लेंगे ना सबको, हम मौजू मुकम्मल कर लेंगे, इस्ताती कलमा खौर से बाद नमाज पढ़ लेते हैं, सब लोग एक दूसरे को सहूलत पहुंचाने का काम करने लगे, और जब ये उम्मत एक दूसरे के साथ इस तरह तआवुन करने लगेगी कि चाहे मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो जाए दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो मामला आपके बहुत आसान हो जाए। दूसरा एक और उसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया, वो उसूल है एहतिसाब का उसूल, कि हम देखिए हम बहुत से कामों में तो अपना एहतिसाब करते हैं ना, जो लोग कारोबार करते हैं वो अपने कारोबार का बड़ा जायजा लेते हैं कि कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा, बस नुकसान नहीं होना चाहिए, पैसा कहीं से ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा आ जाए तो कोई हालत नहीं, वो जायज है या नाजायज है जी, इसको हम कभी देखते हैं। जैसे स्कूलों ने फीसें बढ़ाना शुरू की तो उसकी कोई हद इंतहा नहीं, मुख्तलिफ नामों से फिर वो चीज़ें वसूल करने लगते हैं, कभी कोई डे मना रहे हैं कभी कोई डे मना रहे हैं, कभी किसी नाम पर कभी किसी नाम पर कुछ ना कुछ फीस वसूल ही करते रहते हैं, और बेचारा गरीब आदमी तंग आ जाता है और उसे फिर स्कूल छुड़ाना पड़ जाता है। तो ऐसी आमाल न कीजिए कि बेचारे बच्चों के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं हासिबू कबल अन तुहासब, और इस हिसाब किताब के अंदर सबसे अहम बात जो है वो ये है कि आप अपनी जात से शुरू करें। हम हिसाब मुहासबा शायद करते हैं लेकिन दूसरों का करते हैं, अपना का भी नहीं करते, हमारे नजदीक दूसरे जो है ना वो सब बिगड़े हुए लोग, सियासतदान बिगड़े हुए हैं, हुक्मरान बिगड़े हुए हैं जी, ब्यूरोक्रेट बिगड़े हुए हैं, पुलिस वाले बिगड़े हुए हैं जी, लेकिन मैं अपने अंदर नहीं देखता कि मेरे अंदर कितना बिगाड़ आ चुका है जी। असल में चोरी यही होती है कि इंसान इस काबिल होता नहीं कि अपने अंदर देख सके, उसके अंदर इतनी बीमारियां फैली हुई होती हैं, इतने जरासीम फैले हुए होते हैं कि किब्र का जुर्सूमा उसके अंदर नजर आएगा, बुखल का नजर आएगा, बददियानती का नजर आएगा, बदहती का नजर आएगा, तासुबात का नजर आएगा, ये बेशुमार बुराइयां इतनी हैं कि अपने अंदर देखने की उसे जुरत नहीं होती। अगर अपने अंदर एक दफा देखना शुरू कर दे तो फिर दूसरों की खूबियां ही खूबियां नजर आएंगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म ये दिया है कि हासिबू कबल अन तुहासब, कि अपना मुहासबा कर लो उस दिन से पहले कि तुम्हारा हिसाब किताब लिया जाए। हिसाब किताब तो बहरहाल हर फर्द का होना है, हर इंडिविजुअल का होना है जी। दुनिया की अदालतों में तो हम बहुत कुछ छुपा लेते हैं जी, और झूठी शहादतें आपको बहुत मिल जाएंगी अदालतों के बाहर, बहुत से गवाह आपको पैसे दीजिए आपको गवाह मिल जाएंगे, और हम यहाँ धोखा दे सकते हैं दुनिया की अदालतों को और जजों को, और हो सकता है बच भी जाए, लेकिन आखिरत की जो अदालत लगेगी उस अदालत की जो शहादतें हैं उसकी जो वीडियो बन रही है आपकी आपके हर हर अमल की वो वहां आपके सामने पेश कर दी जाएगी, और आपके पास कोई गुंजाइश नहीं होगी कि आप उसका इनकार कर सकें। वो इसी वजह से इकबाल को तो बड़ी शर्मिंदगी होती है, कहता थे कि अल्लाह अगर हिसाब किताब लेना नागुजीर ही हो जाए तो फिर अव्वल तो बगैर हिसाब किताब ही के जन्नत में दाखिल कर दे, हमारे हिसाब किताब ना दे तो जाए, लेकिन अगर हिसाब किताब लेना जरूरी ही हो जाए तो अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों में मेरा हिसाब किताब न लेना कि मैं ये शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या हमने मेरे अमाल। तो
ये हिसाब किताब का है कि हमें हर शख्स को अपना एक मुहासबा करना चाहिए। मुहासबा कैसे करना चाहिए इस पर बहस तो बड़ी तभी है, लेकिन आप ये देखिए कि आप ये जांचना शुरू कर दें कि आपका कल का अमल आज के अमल इन दोनों में क्या फर्क है। अगर आपका आज का अमल कल के अमल से बेहतर है, चाहे आप दफ्तर में काम कर रहे हैं, आप एक इंजीनियर हैं, कोई टेक्निकल काम कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं और तिब के मैदान में काम कर रहे हैं, आप सहाफी हैं सहाफत के मैदान में काम कर रहे हैं, आप ताजिर हैं तिजारत के मैदान में काम कर रहे हैं, जहां भी आप काम कर रहे हैं, आपका आज का काम कल के काम से बेहतर। आपने आज जो नमाज पढ़ी, क्या आपकी आज की नमाज कल की नमाज से बेहतर हुई? अगर इंप्रूवमेंट महसूस कर रहे हैं तो आप कामयाब हैं, लेकिन अगर इंप्रूवमेंट नहीं है, मोमिन का हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर होना चाहिए। तो ये उसूल हमें दिया है कि हर गुजरे हुए अमल से आइंदा, इसलिए कि अब आपका तजर्बा बढ़ गया, आपका इल्म बढ़ गया, आपका यकीन बढ़ गया, तो इसके असरात आपके अमल पर तो बेहतर होने चाहिए। तो हमारी क्वालिटी जो है ना, हम क्वालिटी की तरफ तवज्जो करें। हमारे यहाँ क्वालिटी की तरफ कोई तवज्जो नहीं होती। मुझे याद है कि मैं वहाँ मलेशिया में कुआलालंपुर में था, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, ये अर्ली 90s में ये ईरान और इराक जंग शुरू हो गई। जब ये जंग शुरू हो गई तो वहाँ उस इलाके में खजूर नहीं होती, रमजान और मुबारक में सारी की सारी खजूर आती थी इराक वगैरह से, तो वो बंद हो गई। हमने वहाँ के ताजिरों का आमादा किया कि पाकिस्तान में बड़ी अच्छी खजूर होती है, क्वालिटी की खजूर होती है, आप पाकिस्तान से मंगा लें। तो वो लोग तैयार हो गए, उन्होंने कहा अच्छा हम पाकिस्तान से मंगा लें, तो उन्होंने पाकिस्तान से मंगवाई। लेकिन एक दफ़ा मंगवाने के बाद दूसरी दफ़ा आई, तीसरी दफ़ा नहीं आ सकी, क्योंकि वो जो पहली दफ़ा नमूने के तौर पर भेजी गई थी उस मेयार की खजूर तसलसल के साथ नहीं पहुँची। तो अगर हम क्वालिटी को मेंटेन कर सकें तो दुनिया भर में हम कामयाब तिजारत भी कर सकते हैं और कामयाब चीज़ें भी बना सकते हैं। आपका एक चीज़ एक मर्तबा एक फैक्ट्री से तैयार होकर बड़ी अच्छी आती है ना, और फिर उसका मेयार इस तरह होता चला जाता है। आप देख लीजिए कि आज से 30 साल पहले जो गाड़ी बनती थी, अब तो हमने कागजी गाड़ियाँ बनाने शुरू कर दी हैं। पहले कागजी बादामों को सुबह करते थे, अब कागजी बादाम तो नहीं मिलते, कागजी गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं कि करीब से कोई भारी भरकम चीज़ गुजर जाए तो वो पिचकने लगती है। तो बताने का मकसद ये कि हम क्वालिटी को मेंटेन नहीं करते, इसको इम्प्रूव करना चाहिए कि आपकी वो जो क्वालिटी आई थी 90s में या 80s में, उस क्वालिटी को आपने इम्प्रूव किया, बेहतर किया नहीं। आपने कीमतें तो बेशक बढ़ा दी, लेकिन आप क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर सके। मेरे ख्याल थे यहाँ पर हम बस ताती का मतलब तो आप नीचे कर लेंगे, सर खावत से रिक्वेस्ट करते हैं, बस यहाँ दुआ कर लीजिए। बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला, ये सवाल किसी को करना हो वो नमाज के बाद सवाल कर लेंगे इंशाल्लाह, बेशक मस्जिद में बैठे। मैं बगैर किसी फिर सर खावत से दुआ करूँ, सर प्लीज आप तशरीफ लाएं, और शहर इकबाल के वासियों, आपने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असासियात और बुनियादों के बारे में एक फाजिल शख्सियत से पुरमग्ज भरपूर और जामे किस्म की तकरीर सुनी, और अब वक्त बहुत नाजुक है, बहुत कम है, नमाज मगरिब का वक्त हो चुका है और सब जानते हैं कि इस नमाज के लिए वक्त बहुत कम होता है। बहरहाल इन्होंने जो गुफ्तगू की उसका खुलासा उन्होंने जो खुलासा पेश किया जा सकता है वो ये है
کہ تین پوائنٹ انہوں نے سیرت نبی کے اساسیات کے پیش کیے اور تین ہی پوائنٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ سنوں کے پیش کیے. سیرت نبی کی اساسیات کے سلسلے میں پہلا پوائنٹ انہوں نے بتایا ہے سنے ہی کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے اور اس کی تفصیل بتائی ہوں گے. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ انہوں نے بتایا اصلاح انسانیت, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقصد وحید انسانیت کی اصلاح تھا اور اس کے لیے سب سے ضروری بات اساسی اور بنیادی بات اصلاح عقیدہ ہے اور عقیدے کی جو بنیاد ہے وہ توحید ہے. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ انہوں نے بتایا مکارم اخلاق کا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے تھے اور اسی اخلاق حسنہ کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اسلام پھیلا اور بعد میں بھی اسلام ساری دنیا میں پھیل گیا. اس کے بعد جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ اصول بتائے, اس میں پہلی چیز منصوبہ بندی اور ترجیحات, دوسری چیز فیسلیٹیٹ کرنا لوگوں کو, اور تیسری چیز جو ہے وہ خود احتسابی. تو بڑا جامع قسم کا ان کا مضمون تھا جو انہوں نے پیش کیا اور اسی پر میں بات ختم کرتا ہوں. آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں منتظمین سے ان پروگراموں کے